अकलाना भी एक अलग ही बीमारी है। दुनिया भर के लगभग 1% लोग इस बीमारी के शिकार हैं। टेक्निकली ये स्पीच डिसऑर्डर है और किसी में भी शुरू हो सकती है। जल्दी से स्क्रीन पे डबल टैप करो और हकलाने का ब्रेन से क्या कनेक्शन है वो समझो। देखो, ह्यूमन ब्रेन के फ्रंटल लॉब में मौजूद इस ब्रोकास एरिया में ब्लड फ्लो के स्लो होने की वजह से कुछ लोग में बोलते समय कुछ स्टैमरिंग जैसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। आपके बोलने के लिए ब्रेन के ये वर्निकीज और ब्रोकास एरियाज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वर्निकीज एरिया आपके थॉट्स को वर्ड में कन्वर्ट करता है। फर्दर ये इनको ब्रेन के फ्रंटल लोब के इस ब्रोकास एरिया में भेजता है। इससे ये फ्रंटल लोब एक्टिवेट होकर स्पीच कंट्रोल करने वाली मसल्स तक सिग्नल सेंड करता है। इन सिग्नल्स के रिस्पांस में माउथ, फेस, नेक, टंग और थ्रोट मसल्स मूव करके वर्ड्स को प्रोनाउंस करवाती हैं। अब जो लोग स्टैमर करते हैं उनके वर्निकीज एरिया में वर्ड्स और सेंटेंसेस तो फॉर्म होते हैं, लेकिन ब्रोकास एरिया इन वर्ड्स को प्रोसेस करने और स्पीच मसल्स तक सिग्नल भेजने में स्ट्रगल करता है। इसलिए इससे ये कुछ वर्ड्स, सिलेबल्स या फ्रेजेस को बोलते समय हकलाते हैं। आपको बता दूं कि स्टैमरिंग की प्रॉब्लम मेल्स में फीमेल से कहीं अधिक होती है। अगर आप भी ऐसी 3D वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करो।